वीडियो लेके मैं आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा, जावा के फीचर्स या कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए हम बातें करते हैं इस पर। तो वही जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिंपल। जावा इज अ सिंपल बिकॉज इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि हमें याद करने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। और सब तो इंग्लिश के वर्ड ही होते हैं तो ईजिली हो जाता है। तो भैया क्या है, सिंपल है, इट इज़ सिंपल। द नेक्स्ट वन इज सिक्योर। जावा इज सिक्योर बिकॉज जावा सिक्योर फीचर इनेबल टू डेवलप वायरस फ्री टेम्पर फ्री सिस्टम। तो यानी कि ये सिक्योर होता है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है हमें वायरस से और टेम्पर फ्री से, बाकी बग्स वगैरह जो भी कुछ होते हैं सारी चीज़ों से। नेक्स्ट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस वजह से पोर्टेबल होते हैं, चाहे वो विंडो माइक्रोसॉफ्ट का OS हो, लिनक्स हो, मैक हो, तो हम कहीं भी इसे हम रन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जावा कहता है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये पोर्टेबल हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब भाई सब कुछ तो जावा में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। एवरीथिंग इन जावा इज अ क्लास, ठीक है। अ मेथड और एन ऑब्जेक्ट, एनी कोड दैट यू राइट इन जावा इज इनसाइड अ क्लास। तो सब कुछ क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, सारा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। तो क्या होता है, जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, दीज टाइप के फीचर्स वो प्रोवाइड कराता है आपको। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रूबस्ट। रूबस्ट का क्या मतलब होता है, इट इज अ फीचर विच इज यूज टू प्रिवेंट्स इलीगल ऑपरेशन। तो भैया जो भी इलीगल ऑपरेशन होते हैं ये उन्हें रोक सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम आगे और बात करते हैं इस पर। तो इट डज नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस ऑल द यूजर्स कंप्यूटर मेमोरी, सो जावा प्रोग्राम कैन नॉट काजेज अ क्रैश। यानी कि यार ये जो सिस्टम होगा जावा वाला, ये आपकी पूरी की पूरी मेमोरी को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसे जितना चीज़ जरूरत पड़ती है वो उतना यूज करता है, जिससे कि आपके सिस्टम के क्रैश होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको प्रोवाइड कराएगा और एरर हैंडलिंग प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि आपके प्रोग्राम को हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। और साथ ही साथ जावा प्रोग्राम आर लेस प्रोन टू एरर, तो इसमें बड़ा कम चांसेस होता है कि इसमें एरर आए या बग्स आए। और नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है मल्टी थ्रेडिंग। जी हाँ, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या, इट अलाउ यू टू राइट प्रोग्राम दैट डू एनीथिंग सिमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे आप चीज़ों को रन करा सकते हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम में आप मल्टीपल टास्क का मल्टीपल टास्क कर रहे हो, तो ये आपका मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। देखो भाई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब वही होता है कि एक आप ऐसा सिस्टम बनाओ, एक बार आपने बना दिया, बनाने के बाद आप सपोज करो कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया उसे माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है, OS पे, विंडो OS पे बना रखा है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, उस एप्लीकेशन को ले जाके लिनक्स में चला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अगर वो लिनक्स में भी चल जाता है, इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब कि चाहे आप विंडो में चलाओ, लिनक्स में चलाओ, मैक में चलाओ, तो कहीं भी चलाओ ये रन करेगा। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ विंडो का ही एनवायरनमेंट चाहिए या विंडो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप इसे आराम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या इसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हम जो जावा फाइल को हम कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड में टूटता है या फिर क्लास फाइल में टूटता है, और फिर JVM क्या करेगा, इन्हीं क्लास फाइल को लेके वो उसे इंटरप्रेट करेगा और तब जाके वो क्या मशीन कोड में या नेटिव कोड में बदल जाती हैं। तो हमें करना क्या होता है, इन्हीं क्लास फाइल को हर सिस्टम में रन कराना होता है, और बाकी तो इजीली हर सिस्टम क्लास फाइल को या नेटिव कोड को आराम से समझ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच कंपाइल द बाइट कोड इन द मशीन कोड ऑफ टारगेट मशीन एंड ईजी टू ट्रांसलेट जावा बाइट कोड डायरेक्टली इन टू नेटिव मशीन कोड फॉर हाई परफॉर्मेंस बाई यूजिंग GIT कंपाइलर।
यानी कि अगर हमारे कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर दिया है तो मतलब ये बड़ा ही इजी हो जाता है फटाफट एक्सेस करने के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस हाई हो जाती है, मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाता है ना। यहाँ पे JVM भी होते हैं, कंपाइलर भी होता है, और फिर इसमें एक स्पेशल कंपाइलर होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग होती है कोड को रन कराने की वो फास्टेड हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मुझे पसंद आया तो यार लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।